हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबको हैप्पी होली। आज है होली, आज होगा होली का दहन। और मैं चिपकू चिपकू बैठी हुई हूँ, आज तो उठे ही नहीं थे हम वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि हिम्मी है वो बीमार हो गई थोड़ी सी, उसको सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए तो भाभी ने कहा कि मैं नहीं उठ पाऊँगी। पूरी रात वो जग रही थी और फिर मैंने कहा मैं अकेले अकेले उठ के क्या करूँगी, फिर मैं भी नहीं उठी। और थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, तो अभी मैंने चाय दूध बना दिया, खाना जल्दी बना दूँगी, इसलिए आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। और क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी हो जाता है, खाना खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसीलिए। और होली पार्टी की तो तैयारियां हमने कल कर ली हैं। मैं मेरे रूम में थोड़ा सा सब साफ़ सफाई करती हूँ, ये जो सुबह सुबह का मैंने नहा लिया है और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और खाना पूरा कंप्लीट बन चुका है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। मूंग बनाए हैं और चावल, और इधर आटा गूंद के रखा है, और ये कुंवारी का आटा गूंद रही हूँ, और ये गुड़ अभी भी गया है तो भीग भी गया है, गल गया है नहीं अच्छे से। और ये आटे के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, मोमन जिसको बोलते हैं। तो होली के टाइम पे हुआरियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, पर खुद की घर की बनी हुई क्रंची क्रंची हुआरियाँ खाने का मज़ा और ज़्यादा कुछ और होता है। तो अभी वही खाना एक बार कंप्लीट बना दिया है, रोटी बना दूँगी, फिर बनाऊँगी हुआरियाँ। तब तक गुड़ भीग गया है तो गुड़ में आटा बांध देती हूँ, और फिर इनको बना कर बेल के सुखानी पड़ेगी, और सुखा के फिर शाम को तलेंगे। हुआरियों का आटा है वो बन चुका है, इस टाइप का कुछ है, और इसके अंदर डाले हैं तिल, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और अब मैं बना देती हूँ रोटी, और सबको मम्मी को सबको बोल देती हूँ खाना खा लेंगे। और अंदर किचन में जगह ही नहीं कैमरा रखने के, तो बार बार डाइनिंग पर रखने आना पड़ रहा है। ये खाना खा लेती हूँ। हुआरी तो सारी बेल दी है, और अभी ये सुखाई है तो थोड़ी हवा में यानी थोड़ी कड़क हो जाएगी, तो और जब इसको डीप फ्राई करेंगे तो क्रंची क्रंची रहेंगी, इसलिए। तो अब मैं जाती हूँ शॉप पे, और शॉप पे आ गए कस्टमर्स, और आज मैंने इधर साइड मांग बनाई है तो अलग ही दिख रही हूँ। मैं आ गई हूँ शॉप पे, और शॉप पे आके मैंने क्लाइंट को अटेंड किया, और क्या धूप है बाप रे, और क्या गर्मी है, बात जाने दो गजब का। और बाल आज मैंने धोए थे, तुरंत बांध दिए थे, अंदर गीले हैं तो थोड़ा हेडिक भी हो रहा है, और पीछे आपको चिकू भी दिख रहे होंगे बैठे हुए। और तो अभी मैं थोड़ा करती हूँ रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही थी। और हुआरियाँ तो आपने देखी, बना के सूखा के आई हूँ, कब जाऊँगी घर पे तब तलूँगी। और कल होली पार्टी की करनी है तैयारी, तो कल पूरी कर दी है, पर जो जो सामान लाना है वो अब एक एक को फ़ोन करती हूँ, और कौन साथ में आ रहा है सारा कलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को तैयारी करके रखेंगे तब के जाके सुबह होगा, और ग्रुप कॉल आ चुका है। तो मेरे बाल हो गए इतने लंबे, मैं खुद भी हेयर एक्सटेंशन करती हूँ, अब देख सकते हो मेरे बालों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने बाल चोटी खरीदी है, और बाल चोटी ये मैंने खरीदी है, अभी मैं इसके ऊपर यानी चेक कर रही हूँ मेरे बालों में लगने के बाद कैसी लगती है, और सेम मेरे बालों का जो कलर है वैसा मैं इसके ऊपर कलर कर दूँगी। तो यश की शादी में एक दिन का जो लुक मैं सोच चाह रही हूँ क्रिएट करने का, तो वो हो पाएगा। बाल लंबे बाल कैसे दिख रहे हैं बताओ मेरे में। अभी चोटी बनाते चल रख दे। ओह मेरी चोटी। अभी ये चोटी बालों में लगा के देखी, यानी मेरे बालों का जो वॉल्यूम है उसके साथ परफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं रिटर्न करूँ, बट अब परफेक्टली जा रहा है, क्योंकि मेरे बाल इतने मोटे नहीं है, बराबर जा रहा है। तो इसको अब मैं कर दूँगी कलर, मेरे बालों का परफेक्ट शेड आ जाएगा, और लंबे बाल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इतने लंबे तो कभी हुए नहीं है। कैसे लग रहे जो छोटी ऐसे से कभी घूमने का मजा आएगा, मस्त लग रहा है। अभी होली की शॉपिंग करने के लिए आ गए, तो अभी ले रहे हैं 4-5 कलर जो भी है वो डिसाइड हो गए, डायरेक्ट आधा आधा किलो। कम तो नहीं पड़ेगा, आधा किलो कितना हो रहा है दिखा ना एक बार, चाहिएगा और भी कलर उठाओ। कलर्स पैक चलो। हाँ चाहिएंगे, 400 का सामान लिया है ना, ले जाओ कह रहे। शॉपिंग करके मैं और हेली दीदी तो आ गए हैं, पर अभी मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि बिना दीदी आ गए घर पे, और हेली दीदी और दोनों जने जबरदस्त के आज तो थक गए,
ये गुलाब जामुन देख रहे हो? मेरे को मत बताओ, और पेट में जाने वाले इतने। हाँ यहाँ से चलते हैं अंदर से, वो भी निकालना मेरी मेरी ब्लाउज कैसे ये इधर रख दो, इधर बेल आ रही है। ओ ये छोरी के पास में होकर कहाँ जा रही है, साइड में आ जाए एक बार। ये बिना दीदी आ गई है, हेली को झूठ बोल रही थी कि नहीं आई हुई हूँ। हेली ने सीधा गाड़ी देख के बाहर की देर हनी कम पड़ रहा था, आगे दुकान पे ही दिख गया। तो अभी तो मैं आप आपका जब फ़ोन आया वो तो पास में ही थी ना, हम दोनों साथ में थे। तो शॉपिंग करके तभी आ गए, सिर्फ एक प्याज लानी बाकी है और ब्रेड आनी बाकी है। ब्रेड थोड़ी ज़्यादा थी तो गाड़ी पर नहीं ला सकते थे इसलिए, और सारा सामान ले जाके स्टेयर्स पर जमा दिया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने से कल जो नया एसी लगा है उसके अब हवा खाएंगे। शक्ल देखने लायक नहीं है अभी। क्यों इतने वो तेरे बाल तो जबरदस्त है, वो तो देखने लायक है। तो अभी ये जो सुबह पूरी ये मौरिया सुने सुखाई थी पराठे हम के दिए पराठे भी गिर रही हूँ मैं। अभी हमारी जो सुखाई थी उसको अभी तलेंगे क्योंकि ये अच्छे से सूख चुकी है, थोड़ी कड़क कड़क भी हो गई है। और साथ ही साथ होली की हो गई है पूरी कंप्लीट शॉपिंग, सिर्फ ब्रेड आने बाकी है सैंड और ऑनियन आने बाकी है, तो वो ले लेंगे। और ब्रेड तो वो भैया घर पे ही भेजेंगे सीधी, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रेड थी इसलिए। ये मम्मी वाला खाट थोड़ा टेढ़ा कर दिया है क्योंकि एसी नया लगा है इसलिए। एसी जोरदार है यार, ठंडा फट देके करता है। ये तो यानी खिसकाने का बहुत पुराना तरीका है। आराम तो आराम जोड़ने लगे, दीवार ने सहारे जोड़ने लगे। बस बस अब यहाँ कोने से खिसकाना पड़ेगा तो आराम बुझते है। ना ये पलक नहीं अरे वहाँ गैप है ना, प्लग है ना पीछे देखने प्लेन। वो तो मैं समझ वो मैं यूँ नहीं कह रहा। अरे यार मैं लड़ाई भी ले लेती। एडवाइस देना भी गलत है यानी कुल मिला के। ये कल की तैयारी ड्रोन के साथ भी हो रही है, बैटरीज वगैरह फुल्ली चार्ज होंगे और आपको मस्त मस्त वाले ड्रोन शूट भी मिलेंगे। और फुल शॉपिंग होके आ गई है, ये सारी स्टेयर्स पे जमाई है। और यह तल के तो खिला गई है, अभी हम सब जने जा रहे हैं होलिका दहन में। तो सब जनों ने डिसाइड किया है कि रेड कलर पहनेंगे, तो मैं भी रेड कलर की साड़ी निकाल दी है मैंने। और अभी तैयार हो जाती हूँ फटाफट से क्योंकि सब जने अभी तैयार हो जाएंगे। मैं हो गई हूँ रेडी, अब सब जनों को फटाफट से कहती हूँ कि रेडी हो जाए और चूड़िया वुड़िया सब पहन के कंप्लीट तैयार, और साथ में ले जाऊँगी गोप्रो। कितने हुए भाभी, मैंने गिने ही नहीं। दो 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 तीसरा होगा। वाह बहुत ज़्यादा जान लग रही है। तो हेलो गाइस, हम अभी मंदिर में हमने दर्शन कर लिए, बस इतना ही कहना चाहता था, है ना। तो हेलो गाइस, अभी हम मंदिर में, तो क्या बोलना चाहती है बोल। कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या अभी हमने दर्शन कर लिए। अभी हर साल तो निकलती हूँ क्या, चल आ जाओ निकलते हैं, आपको भी बताएंगे। तो गाइस ये है हमारे यहाँ का हाथी, चलो नीचे से गुजरते। ए तू मेरे को है ना इसे है ना पकड़ के रख, मैं नीचे से निकल, पहले तू निकल मैं तेरे को बता दूँ। अब तू मेरा घर भाई, देखो कितना बड़ा है। हाँ चाची नहीं है तो वहाँ ही घूम रहे अभी, ले पकड़ो
एकदम थोड़ा यहाँ से भी बता, मैं तो फंस गया भाई। ऊपर लग जाएगी मेरे को, एक दिन लगी थी तो। चलो आ जाओ चलते। हाथी का सब कुछ बता दिया है। ये है पूरा मंदिर। ये सब है। वो इतना जोरदार है और बड़ा भी है। कितनी बड़ी बात है ये देखना। पता नहीं क्या है ये। ये शायद तो केशव जी भगवान है, बीच में है ना, और हर जगह केशव जी भगवान ही बने हुए हैं। आ जा। ये देख ये नाग वाले। एक और अभी जस्ट मैं आई हूँ घर पे। बाकी का शूट आप आपने गोप्रो में भी देखा होगा और चिकू ने भी बाहर शूट किया था। यहाँ पर सारे ढोलक लेके होली का उत्सव मनाने के लिए आए थे और हिम्मी ने आज पहली बार मेरे चरण स्पर्श किए। चाचू के चरण स्पर्श कर दो, आ जाओ आशो, मेरे कर दो, मेरे कर दो, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श कर दो। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बिचली, ओ आशो आशो शो चाचा शाशो चाचा चाचा। अरे यार चू पकड़ के ले लो। छोड़े नहीं छोड़े, अपने सब दिमाग से दिमाग पाके कर ये क्या। इन्होंने अभी कॉन्जरिंग 3 देखी और तीनों दोनों जनों की फटी पड़ी हुई है और दोनों जने यानी रात को वॉशरूम भी अकेले नहीं जाने वाले कि मेरे को ही उठाएंगे क्योंकि मैंने देखी नहीं है। और खाना भी हमारा हुआ है अभी कुछ देर पहले ही कंप्लीट और डेजर्ट भी आज हो गया है क्योंकि बिना दीदी ने डेजर्ट सबके लिए डिवाइड कर दिया था। इन दोनों का भी डेजर्ट भर के रख दिया यानी आइसक्रीम। और मूवी देखी थी इन्होंने कॉन्जरिंग 3 और कल के लिए तैयारी हो गई है। बालों में ऑयल वॉयल सब कंप्लीट कर दिया है क्योंकि हाइलाइट्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे। हालांकि हम कोई भी पक्का कलर नहीं लाए पर कहीं लड़कों का कुछ भी सरप्राइज़ हमको मिल सकता है, इसलिए लड़कों का कुछ भी हमको सरप्राइज़ मिल सकता है क्योंकि ये क्या से क्या क्या पता, कुछ ना कुछ तो ले ही आएंगे, कुछ ना कुछ खुराफाती तो करेंगे। ठंडा ही तो फिक्स है, यही बनाएंगे। हाँ ठंडा ही नहीं, भांग से होता है वो तो। तुम हाँ ठंडाई से तो कुछ नहीं होता है।
तो बस यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड, और कल के व्लॉग का आप वेट कीजिए और बेसब्री से, और देखिए मज़ा ही आ जाने वाला है। हालांकि आज के व्लॉग में भी आया होगा, आज हमने होलिका दहन और मंदिर भी गए थे, वो भी थोड़ा थोड़ा शूट किया, पर मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई क्योंकि कोई मुझे कहीं डांट नहीं थी क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, वो छोटा था इसलिए किसी को दिखा नहीं, ये लेके गई होती तो पक्का डांट पड़ती। तो यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कल का व्लॉग जरूर देखना। बाय।